नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। आज एक्शन कार्यालय जींद पर भगत सिंह कॉलोनी की महिलाएं पहुंची है। इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव कौर। कहाँ से आए हो आप? एम्प्लाइज कॉलोनी भगत सिंह कॉलोनी, दो इकट्ठी है, ज्वाइंट कोर्ट के पीछे। क्या समस्या आई हुई है आप लोगों को? देखो, समस्या तो हम 3 साल से इस समस्या से ही जूझ रहे हैं। मतलब प्रशासन ने बना लिया महिलाओं का मजाक कि पहले तो घर का काम भी जरूरी है, वो भी करते और साथ में इकट्ठा भी होते। अब बारिश का महीना है, ये समझो बारिश में हर जगह प्लॉट में पानी इकट्ठा होता है और ये सीवरेज ओवरफ्लो होके पूरा प्रशासन जींद का, जितना भी प्रशासन है, सारा यहाँ को आवाजावा है और सारे आँख मीच रहे हैं कि पूरे मतलब पैदल भी नहीं जा सकते। कोई ज़रूरी थोड़ी है, सबके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो पैदल तो ना तो महिला जा सकती, ना बच्चा जा सकता। स्कूल भी है हमारा कि ये तो चलो कोरोना है भाई, बच्चे कम जा रहे हैं स्कूल में, ना तो फिर हमारे तो सारे हर घर के ऊपर बच्चे भी खड़े रहेंगे, बूढ़े भी खड़े रहेंगे कि रास्ता क्रॉस करने का तो है ही नहीं कोई भी। मतलब ये थोड़ी हो गई प्रशासन इतनी आँख मींच के, जब हम घर से निकले तो इसका मतलब एम्प्लाइज कॉलोनी का तभी समाधान हो, अपना आप को है ही नहीं। इतने मच्छर पैदा हो गए मतलब हर घर में, अब मतलब बुखार से कोई औरत बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, कोई बूढ़ा बीमार है, मच्छर पैदा होने की वजह से पानी इकट्ठा जगह जगह और आपस में झगड़े बढ़ गए कि किसी कोई प्रबंध नहीं है। नहीं, कोई प्रबंध नहीं है जी बिल्कुल। और ये समझो कुछ परसेंटेज ने सीवर में पानी डाल रखे है ना, तो सीवर में तो पानी जानता ही नहीं, मारी तो कॉलोनी का कनेक्शन करे नहीं रखे। जिस दिन सीवरेज चालू कर लेंगे लोग, फिर क्या होगा? और तो ईब प्रशासन ने देखना है कि हम बार बार आ रहे थोड़े खड़े रहेंगे, फिर ये वो कर दिया, गलत कर दिया, सही कर दिया, कुछ न कुछ तो मतलब मरता रास्ता तो निकालेगा आदमी। आपके आज समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या करोगे आप? समाधान जाम कर देंगे, रोड जाम लिखने को नहीं देवा किसी ने भी। अरे एक और बात है, दो टाइम डीसी नान जाए हेड को, उसकी क्या एक फुटरी है, दो टाइम नान जाए स्विमिंग पूल में और माँ में ओडा सलवार टैंक टैंक का लखा हाँ, और गंदा पानी है, और गंदा पानी माँ को लेकड़ का जाए दो टाइम ना क्या हुआ है स्विमिंग पूल में स्कूल में। कार है, हमारा कार थोड़ी है, उसका तो गाड़ी मिल रही सरकारी है, माम ने बरोटे भी लाने, माम ने डांगर भी ले जाने, माम ने दूध भी दे के आना, माम ने कितनी दिक्कत हो रही है, और उसकी आँख सुतो मिचरी हो जिला का मालिक बन के बैठ गया और उसकी आँख फूट रही हो रो को नहाने जावे और वो पानी खड़ा। हम तो प्रशासन के नजदीक हैं, चलो जैसे तैसे दुखी सुखी हो के, तो दूर वाले का तो इसका मतलब समस्या सुनिए नहीं जाए। ये होगा औरत बार बार घर से बाहर निकले तो ही समस्या का समाधान हो, ये तो कोई समाधान नहीं बनी हुई है ये पूरे शहर में। नहीं, हमने तो मार ये दिखा है सबसे बड़ी कि साथ में प्रशासन है, हम तो वैसे भी नजदीकी भाईचारा का हक रहे, भाई सबसे नजदीक भाईचारा हो है, फिर आपस में भाईचारा, घर का तो मारा तो भाईचारा खत्म होएगा, प्रशासन का गेले मारा भाईचारा खत्म हो गया तो वही है, फिर रोड जाम करेंगे, कुछ न कुछ तो रास्ता उल्टा सीधा कुछ तो रास्ता निकाल लेंगे भाई, सबका समाधान है। के राम कॉलोनी आड़त तो वह भी बेस्ट हो रही है, हम तो पहले तो हमारी एक टुकड़ा तो वैसे गलिया का कच्चा छोड़ गया झगड़ा खातर है। अरे ईब ये सीवर लड़ पड़े क्या क्या सुन के कराए, और तो फिर ईब ये मतलब रोज पानी निकले जा है। हमारी ऑफिस में कोई भी नहीं सुना, कई बार आ लिए जी हम यहाँ गोटे गोटे पानी में निकल रहे हैं जी, कोई प्रशासन वाला कोई बात नहीं सुना है जी, एक्शन नहीं है क्या आज? कोई नहीं है जी, कोई बात सुन के इनकार कर रहे हैं जी सारे जी, जाम लगाने के लिए तैयार है वहाँ पे हम जी, अपा होगा प्रशासन जी फिर बस। आप क्या कह रहे हैं? ये जो गली है इसमें लगातार पानी भर रहता है और सीवरेज की जो व्यवस्था है ना बिल्कुल ठप पड़ी है, कोई समाधान नहीं है पानी निकलने का। ये सीवरेज बिछा दिए लेकिन पानी की कोई निकासी नहीं है पूरी कॉलोनी की, और पूरी कॉलोनी परेशान है, थोड़ा सा बरसात होते ही परेशान हो जाते हैं। और प्रशासन जो इसका प्रशासन है स्वास्थ्य विभाग का, मतलब उसकी कोई मतलब सूद लेने वाला नहीं है, एकमात्र रास्ता है ये यूनिवर्सिटी का, एकमात्र रास्ता है ये ब्लॉक रह रहा है, 3-4 दिन से तो लगातार बंद है, आना जाना बिल्कुल लोगों का बंद है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आज ये पूरी कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए हैं और प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, वहाँ जाम लगाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अगर प्रशासन 15-20 मिनट तक नहीं आया तो वहाँ जाम लगाओगे।
सही बात है, सारा सौदा लेओ इस टैक्स और सारा टैक्स है, कोई समाधान नहीं करेगा। वो उन्हें फोन करके नहीं, एक तो आपको मैं कहूं और एक आप सरकार को फर्क कौन ही आप दाओ कर रहे हैं बिल भर रहे हैं तो हमने भी दाबी थी भीतर बड़बड़ के भाई बिल भर रहे हैं तो भाई तो बिल तो फिर गवर्नमेंट भर मार दूंगा भर रहे हैं फिर गवर्नमेंट को बता दो आप।